गाइस आज मैं आपको बताऊंगा रिच पियाना के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं उसके बारे में। दोस्तों आज रिच पियाना इस दुनिया में नहीं है। तो रिच पियाना की डेथ 25 अगस्त 2017 में हुई थी। तो ज्यादातर लोगों का कहना था कि रिच पियाना की मौत ओवरडोज से हुई है। रिच पियाना के नजदीकी लोगों का कहना था कि रिच पियाना बहुत ही ज्यादा स्टेरॉइड लेते थे और इसकी वजह से वो कोमा में चले गए और बाद में उसकी मौत हो गई। तो रिच पियाना की गर्लफ्रेंड ने बताया कि पियाना घर में चलते चलते गिर गए। मैंने उसको उठाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की लेकिन वो नहीं उठे, इसलिए मैंने मेडिकल टीम को फोन किया। उसके बाद मेडिकल टीम रिच पियाना को हॉस्पिटल में लेके गई। डॉक्टरों ने चेक करने के बाद बताया कि रिच पियाना अभी कोमा में चले गए हैं और डॉक्टरों ने बताया था कि रिच पियाना कब होश में आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन दोस्तों बाद में रिच पियाना की मौत हो गई। रिच पियाना की मौत के बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया और उसकी रिपोर्ट भी सामने आई। तो उन्होंने रिपोर्ट में कहा था कि रिच पियाना को दिल की बीमारी थी और रिच पियाना का लीवर बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया था, इसकी वजह से रिच पियाना की मौत हो गई थी। लेकिन दोस्तों ज्यादातर लोग इसको सच नहीं मानते। ज्यादातर लोगों का कहना था कि रिच पियाना की मौत ओवरडोज से हुई है। बहुत सारी न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से रिच पियाना की मौत की बहुत सारी वजह छुपाई गई है और ये कहा गया कि रिच पियाना की मौत ज्यादा स्टेरॉइड लेने से हुई है। दोस्तों रिच पियाना बॉडी बिल्डिंग में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे और रिच पियाना के फैन पूरी दुनिया में थे। रिच पियाना की बॉडी इतनी जबरदस्त थी कि लोग देखते ही रह जाते थे। जब रिच पियाना की मौत हुई उस टाइम पे रिच पियाना 46 ईयर के थे। पियाना का जन्म 26 सितंबर 1971 में हुआ था। पियाना का जन्म लॉस एंजेलस कैलिफोर्निया में हुआ था। रिच पियाना की हाइट है 6 फीट और उसका वजन है 140 किलोग्राम। दोस्तों रिच पियाना की माँ भी एक बॉडी बिल्डर थी, इसी वजह से रिच पियाना बॉडी बिल्डिंग में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। 2003 में रिच पियाना ने मिस्टर कैलिफोर्निया का खिताब जीता था। दोस्तों अगर आप रिच पियाना की बॉडी ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिच पियाना बहुत ही ज्यादा स्टेरॉइड लेते हैं और ये बात इस फोटो से प्रूफ होती है। तो दोस्तों ऐसी ही न्यूज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बाजू में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना ना भूले ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप देख पाए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले।